प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छा चरवाहा बने इस प्रोग्राम में आज आपसे बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। हमारा इस बाइबल क्लास का उद्देश्य यही है, हम हर एक व्यक्ति और थोड़ा अच्छा, और थोड़ा अच्छा, और बहुत ही अच्छा लीडर बने। आज मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर बनाता है, गॉड बिल्ड्स। हमें बनाना चाहते हैं परमेश्वर, इसलिए हम अपने आप को समर्पण करना है और परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर तू मुझे जो बना क्या बनाना चाहते हो उसको बना ले, वो काम बंद ना करे। मैं कभी सोचता था मेरा टेबल पर ऐसा एक बोर्ड लगाकर बना करके लिखवा करके रखे, डोंट क्रिटिसाइज मी नाउ, गॉड इज स्टिल वर्किंग विथ मी। आप मेरे बारे में कुछ बुरी बात ना सोचे, परमेश्वर अभी भी मुझे बनाते रहते हैं। परमेश्वर क्या क्या बनाता है, सात बात। नंबर वन, परमेश्वर एक आदमी को बनाता है, मतलब है उसका स्वभाव, उसका जिंदगी, जहाँ हम हैं उधर ना रहे, हमारा स्वभाव और अच्छा होना है, कैरेक्टर, हमारी जिंदगी और अच्छा होना है। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मुझे बना ले, मेरा स्वभाव को बना ले, और खुदावन मेरा जिंदगी को बना ले और अच्छा बना ले। नंबर टू, परमेश्वर एक परिवार को बनाता है, हमारा घर का माहौल हमें बनाता है, इसलिए हमारे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर पति पत्नी आपस में लड़ाई करें तो उनका बच्चे भी लड़ाई करेंगे। मैंने 5 सिनेमा बनाया है, मलयालम में बनाया, 2-3 हिंदी में तर्जमा किया है। एक अगला सिनेमा में मैं एक पार्ट ऐसा बनाना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कब बनाएगा, ऐसा बनाना चाहता हूँ एक घर में एक लड़का लड़की बैठ, उनका उधर का बच्चे दोनों हमेशा झगड़ा करते हैं। सेकंड सैटरडे था, छुट्टी था, कॉलेज नहीं गया है, 6 बजे लड़ाई किया, 6:15 बजे लड़ाई किया, 8:30 बजे लड़ाई किया, 9 बजे लड़ाई किया, 10 बजे लड़ाई किया। माँ तंग होकर के बोला है, हे बच्चों क्या इस घर में तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं? वो लड़की जो 18 साल की है उसने पीछे मुड़ के बोला, क्या इस घर में सिर्फ पापा मामा ही लड़ाई करें, हम नहीं कर सकते? जो आपका घर का माहौल है आपको बनाते हैं, आपका बच्चों को बनाते हैं। इसलिए हमारा जिम्मेवारी है कि खुदावंद हमारा घर का माहौल एक मसीह परिवार का बने। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छा रहे, मसीह परिवार के बारे में एक किताब पढ़ने का कोशिश करें, हिंदी में कम होगा लेकिन अंग्रेजी में है अच्छा है, एक मैगजीन आप पढ़ने का कोशिश करें। हिंदी में एक मैगजीन है वनिता, बहुत ही अच्छा है, मैं उनका पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप एक मैगजीन, एक किताब पढ़ें, एक मैगजीन पढ़ें, और कई भी फैमिली सेमिनार होता है शरूर जाएं, शरूर जाएं। ये ना सोचे कि ये जिसका खानदान में गड़बड़ है, झगड़ा है, वही जाता है, नहीं। जिसका घर अच्छा होना चाहते हैं, पारिवारिक जिंदगी अच्छा होने के लिए चाहते, वो जाएंगे फैमिली सेमिनार में। नंबर तीन, परमेश्वर एक पीढ़ियों को बनाता है, जनरेशन बिल्डर। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है, और अब्राहम, इसहाक, याकूब, योसेफ, इसलिए इसराइल कौम, परमेश्वर एक, इसलिए आप प्रार्थना करना है, खुदा मेरा परिवार को तो बनाए, मेरा पीढ़ियों को बनाए। मैं, मुझे गर्व है, खुशी है इस बात में, मुझे 5 बच्चे हैं, मेरा 5 बच्चे परमेश्वर का सेवा करते हैं, विश्वासी है और सेवा भी करते हैं, 4 बच्चे प्रभु का सेवा करते हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री, 2 लड़कियां थंकुआ लेकर लेते हुए परमेश्वर का काम करते हैं, लेकिन 5वां लड़का है और पैसा कमाते उसका एक अच्छा हिस्सा परमेश्वर का सेवकाई में डालता है। आप भी प्रार्थना करें, खुदा मेरा पीढ़ियों को तेरा सेवकाई में, मेरा अभी का प्रार्थना यही है, खुदा मेरा पोते नाते कम से कम 1, 2, 3, 4, 9 है लेकिन खुदा उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 खुदा तेरा सेवा करने वाले बने। परमेश्वर पीढ़ियों को बनाते हैं। नंबर 4, परमेश्वर सेवकाई को बनाता है। मूसा को देखो, परमेश्वर ने बनाया, एलिया को देखें, परमेश्वर ने बनाया, पत्रस को देखें,
पौलुस को देखे परमेश्वर ने बनाया। हमारा सेवकाई, हमारा या हमारा दिमाग या हमारा चलाकी बनाना नहीं चाहिए, फिर परमेश्वर बनाए जो बनाने के लिए चाहते हैं। किसी को परमेश्वर ने बुलाया होगा, कोई मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर का नौकरी करें, नर्स का नौकरी करें, एडमिनिस्ट्रेटर का नौकरी करें, किसी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। मेरा पांचवां जो लड़का है वो अच्छा नौकरी पर है, मैं उसको बार बार बोलता था, उसके सामने प्रार्थना करता था, खुदावंद इसको भी बुलाएं, तेरा सेवा करें। एक दिन मेरे ख्याल में 5-6-7 साल हो गया होगा, मैंने बोला बैठा तो सोचे अपने नौकरी छोड़ करके बाइबल सोसाइटी में या ऐसा एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। उसने मुझे बोला डैडी इसमें जितना मैं अभी कमाता हूँ उसका 4/1 भी नहीं मिलेंगे। मैंने बोला पैसा का नहीं, आशीष का। ठीक है, सेवकाई में तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन उसका बुजुर्ग की ज़िंदगी में देखे जो नौकरी करते हैं उनका अच्छा है, या वफेदारी के साथ सेवकाई किया उनका अच्छा है, आशीष के बारे में देखे। उसने मेरे से बोला डैडी मेरा बुलाहट नहीं है, मेरा बुलाहट ये पैसा बनाएं और परमेश्वर का सेवकाई में खर्च करें, वो भी सेवकाई है। इसके बाद मैंने उसको नहीं बोला, क्योंकि वो अपना बुलाहट को जानते हैं। आप भी प्रार्थना करें, खुदावंद मुझे एक मिनिस्ट्री दे, वो लैट्रिन साफ करने का होगा, क्रिश्चियन ऑफिस में काम करने का होगा, और कुछ होगा, खुदावंद सेवकाई तू बना कर दे। 5, परमेश्वर खड़ को बचाता है, बनाता है। भजन संहिता 127 का पहले पद हम सब जानता है, एक महिला का, एक पत्नी का जो सिक्योरिटी है वो एक खर और प्यार करने वाला एक पति है। एक बच्चों का भी सिक्योरिटी जो है अपना ही खर और माँ बाप, आपका खर बनाना चाहिए। किसी ने मेरे से पूछा आपको खर क्यों नहीं है, ये तो मेरा व्यक्तिगत रीति का फैसला है, मैं घर नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को बोला हुआ है घर बनाओ। मैं आपको भी बोलता हूँ, परमेश्वर को बोलना है खुदा हम घर बना कर दे दो, उसके लिए पैसा जमा करना शुरू करो, पैसा बना कर इकट्ठा करना शुरू करो। ठीक है, इसलिए घर भी परमेश्वर बना कर देता है। 6, परमेश्वर एक राष्ट्र को, एक देश को बनाता है, एक नेशन को बनाता है। अब्राहम एक वंश बन गया है, एक नेशन बन गया है, याकूब एक वंश बन गया है। मैं हमेशा प्रार्थना करता था, अभी भी प्रार्थना करता हूँ, खुदा मेरा पांचों बच्चे 5 वंश बने। हालेलुया, सुनिए, और जहाँ कई मिशनरी लोग गया है हर एक जगह पर देश को बनाने के लिए कोशिश किया है। हम भी कुछ करना है, जो मिशनरी लोग करना का था वो उन्होंने किया है, हम भी कुछ करें, हमारा देश के लिए, हमारा गांव के लिए कुछ बनाएं, हमारा गांव के लिए कुछ बनाएं, कुछ लोगों को पढ़ाएं, कोई अच्छे जगह पर भेजें। परमेश्वर एक देश को भी बनाता है, एक वंश को भी बनाता है। 7वां बात, परमेश्वर कलीसिया को बनाता है। यीशु मसीह ने बोला है मत्ती का सुसमाचार 16:18 है, मैं मेरा कलीसिया को बनाएंगे और शैतान का राज उसको ऊपर प्रबल नहीं होगा। हम यीशु मसीह से बोलना है, आप लीडर है, परमेश्वर से बोलना है, यीशु मसीह से बोलना है, खुदा मेरा कलीसिया को बनाए। कल मैं एक शहर में था, कब 2-3 दिन पहले, मैं एक ऑर्थोडॉक्स चर्च पार कर रहा था, कैथोलिक चर्च पार कर रहा था। मैंने उस चर्चों के लिए प्रार्थना किया, खुदा इधर बेदारी आ जाए। मेरा स्वभाव ऐसे ही है, मैं हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं कि उन लोग जो कुछ करते हैं मैं उसमें सहमत है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक कैथोलिक चर्च में या ऑर्थोडॉक्स चर्च में, CNA चर्च में, मेथडिस्ट चर्च में आए। आप भी आपका चर्च के लिए प्रार्थना करें, खुदावंद मेहदारी आ जाए, अन्य जाति का लोग ही समस्या को कबूल करें, हमारा इतिहास बदल जाए। एक बार एक परमेश्वर का दास मैं जानता हूँ, उनका बारे में जानता हूँ, स्मिथ विकल्सवर्थ, वो अमेरिका का डालस का शहर में अपना दोस्त के साथ खाना खाने के बाद थोड़ा चलने के लिए निकले। उधर एक छोटा सा चर्च बिल्डिंग उसने देखा, उसने ये पूछा, और उसका दोस्त ने स्मिथ विकल्सवर्थ से पूछा, क्योंकि वो बहुत विश्वास का चाचा है, वो
उसने पूछा, इतना बड़ा शहर में इतना एक छोटा सा आराधना घर क्यों हो गया है? स्मित वुगल्सवर्थ ने बोला, ये परमेश्वर का गलती नहीं है, जिसने बनाया है उसका विश्वास इतना ही छोटा था। आपका भी विश्वास बड़ा रहे। आप प्रार्थना करें, खुदा मेरा कलीसिया में लोग बपतिस्मा लें, अन्य जाति का लोग आए, बाकी लोग आए, आप ही प्रार्थना करें, खुदा हमारा कलीसिया को तू बनाए, तू बनाए, तू बनाए। हमारा परमेश्वर बनाता है। ये परमेश्वर आपका कैरेक्टर को बनाने दो, आपका जिंदगी को बनाने दो, आपका परिवार को बनाने दो, उसको मौका दे दे, आपका पीढ़ियों को बनाने दो, आपका सेवकाई को बनाने दो, आपका घर को बनाने दो, आपका देश को बनाने दो और आपका कलीसिया को बनाने दो। परमेश्वर आपको आशीष दे एक अच्छा लीडर बनकर रहने के लिए। परमेश्वर को मौका दे दे, वो बनाए। यीशु के नाम में आमीन।